जिस घड़ी का इंतजार था आज वो घड़ी खत्म हो गई। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी थीं कि बजट में क्या कुछ खास होगा, क्योंकि मोदी सरकार का ये आखिरी पूर्ण बजट है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के बाद कई बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था चमकता सितारा है। गरीब खाद्यान्न योजना एक साल के लिए बढ़ाई गई है। 7 लाख की आय तक अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. वहीं बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट की जमकर तारीफ की। पीएम ने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए मजबूत नींव का निर्माण करेगा। बजट वंचितों को वरीयता देता है। गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपने को पूरा करता है। अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए निर्मला जी और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं। एक तरफ जहां केंद्र सरकार बजट को ऐतिहासिक बता रही है, तो वहीं विपक्ष ने निराशाजनक बजट बता दिया। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि ये चुनावी बजट है, किसानों के लिए कुछ नहीं है, किसानों की MSP की बात नहीं की है, रेलवे को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है, आधी से ज्यादा आबादी गांव में बसती है लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया है। ये बहुत ही निराशाजनक बजट है। फाइनेंस मिनिस्टर ने पूरे बजट में कहा है कि ये 3 साल का बजट है, तो आने वाले 3 सालों के बारे में उन्होंने बात करी है लेकिन उन्होंने आज की बात नहीं करी है। मेरा मानना है कि ये चुनावी बजट है और पूरी तरह चुनावी है। मिडिल क्लास को थोड़ी रियायत दी गई है लेकिन जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और हर सेक्शन और हर स्टेप में महंगाई जहां बढ़ रही है, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने किसानों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा है। देखिए, स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे शानदार बजट है, जिसमें मैं ये कह सकता हूं कि ऐसा बजट न भूतो न भविष्यति वाला रहता है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में खड़े होकर के गर्वपूर्वक यह कह सकता हूँ कि इतना साहसिक, इतना विजनरी और सभी वर्गों का, चाहे उसमें हमारे देश के बड़े बुजुर्ग हों, चाहे हमारी मातृशक्ति हो, चाहे हमारे नौजवान हो, चाहे हमारे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे भवनहीन हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित मामला हो, चाहे शिक्षा से, स्वास्थ्य से, आत्मनिर्भर भारत से, मतलब किसी भी क्षेत्र का नजर डालेंगे डिजिटल इंडिया तो डिजिटल इंडिया। तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, भाजपा अपने बजट का दशक पूरा कर रही है पर जब जनता को पहले कुछ न दिया तो अब क्या देगी। भाजपाई बजट महंगाई व बेरोजगारी को और बढ़ाता है। किसान, मजदूर, युवा, महिला, नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग में इससे आशा नहीं निराशा बढ़ती है, क्योंकि ये चंद बड़े लोगों को ही लाभ पहुंचाने के लिए बनता है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट को नए भारत की समृद्धि का संकल्प बताया। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए लिखा, आज प्रस्तुत हुए आम बजट 2023-24 में नए भारत की समृद्धि का संकल्प है, अंत्योदय का विजन है, 130 करोड़ भारतवासियों की सेवा का लक्ष्य है। वर्तमान केंद्रीय बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान व महिलाओं समेत समाज के हर वर्ग की आशाओं और राष्ट्र के समग्र उत्थान की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला है। निसंदेह ये बजट भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
बजट में जिस तरीके से टैक्स स्लैब में बदलाव से लेकर किसानों और गरीबों के लिए फ्री राशन जैसी योजनाओं पर भारी भरकम पैसा दिया गया है, उससे एक बात साफ हो गई है कि मोदी सरकार ने मिशन 2024 के लिए पत्ते खोल दिए हैं। दरअसल अगले साल लोकसभा चुनाव होने के चलते मोदी सरकार के लिए ये बजट काफी अहम है। आम चुनाव से पहले मोदी सरकार का ये आखिरी पूर्ण बजट है जिसमें सरकार ने मध्यवर्गीय और किसानों का विशेष ध्यान रखा है। 2024 के चुनावों से पहले 2023 में देश के 9 बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, इस लिहाज से भी ये बजट काफी अहम है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।